भाई रोमियो अपना सोल्ड आउट नहीं बोला, खुशी की बात, बल्ले बल्ले। देखो समझता है ना गाइस, आप कहते हो समझता नहीं है, बहुत समझता है। मैं तो कह दो ना मोटे दीवार पे चढ़ जा तो चढ़ जाएगा, मैं कहूंगा नहीं तो। भाई चेक दिस आउट, अपने कार्तिक को देखो, स्टेट प्लेयर। बट गाइस इसके साथ जो हुआ है ना, ये खुद ही वहां पे जाके वो दो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं जिसके अंदर डाल सब सब ने ये बात बता दें, सिफारिश पे ना अगर आपको आज कहते हैं ना तो सब कुछ है कि कोई खोज नहीं बना। Hey guys, good morning, welcome back to the new vlog. तो guys, आज के vlog की शुरुआत हो रही है अपने रोमियो के पास से काफ़ी दिनों बाद। एंड guys, आज रोमियो आपको vlog में कम दिखाई दे रहा है। एंड अभी ना ऐसे की एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है यार, रोमियो ना अभी फाइनली सोल्ड आउट नहीं होने वाला यार, यानी कि कुछ दिन सोल्ड आउट रोमियो नहीं होने वाला। मामा जी ने अभी ना कोई बात वगैरह कुछ नहीं करे। एक बार तो ऐसा टाइम आया था कि मतलब काफ़ी दिन बातें चली थी, रोज बात चलती थी, बट guys फाइनली अभी रोमियो सोल्ड आउट नहीं होने वाला अपना। रोमियो तुम हमारे पास ही रहोगा यार, बहुत अच्छा बच्चा हुआ है आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। देख बैठ करने की कोशिश करें कितना ज़्यादा अच्छा हो गया। मोटा भी वहाँ पे भोंक रहा है, जब भी रोमियो के पास आता हूँ तो मोटा पीछे से भोंकना स्टार्ट हो गया। ये देखो आपको आवाज आ रही होगी ना, अभी रोमियो को अंदर लेने आया हूँ, ले भी लेता हूँ यार साथ में, ले लेता हूँ उसके बाद मोटे को पूछते क्या है। मैं जब मोटे रोमियो को लेके जाऊँगा और पास फिर मोटे के पास आऊँगा ना, मोटा देखो कितना डरेगा, वो सोचेगा अभी मारेगा ये। चलो चल चल रोमियो आगे चल। भाई रोमियो को अंदर लेके आ चुका हूँ, इसका खाना भी कंप्लीट है। अभी देखो मोटा वहाँ पे बैठा ना, जैसे स्पीड में जाऊँगा ना देखो सो जाएगा, डर जाएगा देखो पूरा, देखो ये सोच रहा मारेगा मेरे को मोटा बहुत। भाई क्यों भोंकता है तू रोमियो पे, है रोमियो भोंके मारूंगा तेरे को, वो तेरा दोस्त ही क्यों है। कुछ दिन बाद तुम लोग साथ में रहोगे दोनों, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा तो फिर क्या करेगा मोटे, है मोटे जी छिटो। आ जा घुमा के लगाऊ, घुमा के लेके आता हूँ, देख देख जम, अब देखो खोलता हूँ ना फिर देखो कैसे करता है ये। अभी देखना देख रहे मोटे नो, मोटा गरम पानी का वेट है इसके ना, मजे लेता हूँ देख तो मोटे लो पीछे चल, पहले पीछे चल, पहले पीछे चल पूरा, अब देखो पूरा चिल्लाने लगे हैं। देखो पानी देखो पानी देखो, इसको गुस्सा आ रहा है, ये कह रहा पानी पीने दे यार, नहीं पीने दूंगा नहीं पीना मोटे मोटे, इसको प्यास लगी हुई है बट पानी पानी नहीं। हाँ तो इसको पूरा परेशान करके रहूँगा, चिल्लाएगा चिल्लाने वाला है। आई आप लोग गाइस अलग मतलब अलग बात में नहीं मेरा, मजाक कर रहा हूँ इसके साथ, अब हमेशा करके पानी नहीं पीने दे रहे। क्या हुआ अब देख इतने कहूँगा मोटे पी ले, बस इतने पीने वाले बताओ मोटे पी ले। ये देखो हम पापा चढ़ता हूँ मोटे, देखो प्यास देखो कितना खतरनाक लगी हुई इसको, ये कह रहे पानी पीने दे, बहुत खतरनाक प्यास लगी हुई है इसको, पी ले। देखो समझता है ना गाइस, आप कहते हो समझता नहीं है, बहुत समझता है यार, मैं इसको कह दो ना मोटे दीवार पे चढ़ जा तो चढ़ जाएगा, मैं कहूंगा नहीं तो, कहूंगा नहीं दीवार पे चढ़ गया फिर गिर गया तो कुछ ऐसा कहेंगे ना, ये इतना दीवार पे चढ़ सकता है आराम से, मैं कहूंगा तो, मैं कहूंगा नहीं यार, क्यों कहूँ मैं, क्यों इसको मतलब फालतू में परेशान करें यार, सोया देगा मस्त अपना वैसे ही। गाइस बड़े दिनों बाद यार अपनी स्कूटी को लेके निकलूँगा यार वापस से, कितना दिन आराम से 10 दिन तो आराम से हो गया चला ही नहीं है इसको, एंड आज अभी निकला हूँ घूमने के लिए, सिर्फ मस्त मजे करता हूँ। अभी आगे थोड़ा काम जाके आना साथ के अंदर गाइस, अपन भी ना मजे करके आएंगे। लोग इस तरफ देख रहे हैं फोन की तरफ, वो तो ठीक है, एक ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ फोन पे, ऐसे कपड़ रखा है, अगर इसे सामने देख के बोलने लग जाऊँ ना तो फिर लोग रुक रुक के देखेंगे। और शिफ्ट मॉडिफाइड कहीं खतरनाक है ना, शौक के रुपये लगते हैं यार, शुद्ध कितने कितना थी अभी मोटिवेट की भी यार तब आगे। अभी देखो यार तुम धीरे धीरे चला रहा हूँ, एक एंड से थोड़े कंट्रोल मुश्किल है, आगे कोई आगे ना तो ब्रेक वगैरह थोड़ा मुश्किल से लग रहे हैं। इसके अंदर ट्रिपिंग क्यों होता है यार, पास में लेके जाऊँ तो ऐसा होता है दूर से, देखो ऐसे लग रहा है नंबर चल रहे हैं।
अभी ना कुछ देर घूम के आते हैं, फिर वापस घर पे जाके मोटेर के साथ मजे करेंगे। गाइस गेट को लॉक करती है एंड मैं ना एकदम रेडी हो चुका हूँ, अभी निकल रहे जा रहा हूँ, बस इसको लॉक लगाते हैं फिर गाइस अपन निकलने वाले इस दरवाजे पे। जैसे आपको बात ही से मिलाता हूँ सबसे पहले तो निकल रहा हूँ एंड अभी मामा जी का कॉल भी आ चुका है, निकलते जस्ट। वो तो ठीक है, काम अपना सारा कंप्लीट था मोटे और का जल्दी जल्दी, तो अभी मामा जी की दुकान ना बढ़ा के आनी, बंद करके आनी है, बढ़ाना बोलते है गाइस, वैसे बंद ना बोला नहीं जाता, अच्छा नहीं होता, अशुभ अशुभ होता है कुछ, तो इसलिए बढ़ाना बोलते है गाइस, बढ़ाना या फिर मंगल करना। तो जा रहे हैं मामा जी की दुकान, वहां पे चलते हैं गाइस। ये देखो आई भी कोई है तो नहीं, बस बराबर। ओ भाई रॉयल बहुत भारी है रॉयल एनफील्ड, अकेले को डालनी पड़ेगी इसको भाई, कितनी बाइक है ये देखो भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक बाइक है और रखी है यहाँ पे तो। ओ दुकान भी सबसे पहली बात तो बिखरी पड़ी है, पूरी दुकान को सुधारना होगा एक तरीके से, तभी जाके बाइक के अंदर आई घुसेगी है ना भाई। चेक दिस आउट, अपने कार्तिक को देखो, स्टेट प्लेयर, बट गाइस इसके साथ जो हुआ है ना ये खुद ही जाहिर कर सकता है, बता सकता है। क्या बात है तेरे साथ, मैं तो गाइस अभी 10-15 मिनट आए हुए हो गए, आते हैं तो भी वही बातें शुरू किया, मैंने कहा ये क्या चुप कर गए उसने, ये उतरेगा नहीं, ए वेट से रहा, उतरेगा ये नहीं लेगा, ये लेके ये न्यू मिली थी क्या, क्या लेके आया, लंदन ली कॉपर, वो क्या हुआ था ये बता पहले तो वहां पे, क्या बताऊं, तेरे को खेलने क्यों नहीं दिया, तेरे को खेलने दिया था सबसे पहले तो ये बताएगा इसकी ना सब, मैं आपको ना थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, मैंने इसने मेरे को तो बता दिया, मैं पहले दो शूट करता ना इसके मुंह से सुन लेते आप, बट अभी ना इसने मेरे को बता दिया, मैं बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि इसको ना जो होते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर गाइस, एक्स्ट्रा प्लेयर बोलते हैं उनको, उसमें ना इसको मतलब डाल दिया था, यहाँ से तो करके गए थे कि तेरे को खिलाएंगे वैसा करके, बट वहां पे जाके वो दो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं उसके अंदर डाल दिया, वहां पे इसके साथ वाले जो बंदे थे ना कुछ नहीं था उनको, सब मैं एक बात बताते हूँ कि सिफारिश पे ना अगर आपके पास पैसा है ना तो सब कुछ है, एंड आपकी पहचान ना थोड़ी ऊपर तक यानी थोड़ी समझ जाओ, वो कहीं कुछ के ना पापा पुलिस के अंदर थे, कुछ के पापा कहां पे थे मतलब हाँ बिजनेसमैन कुछ भी मान लो गाइस, तो कुछ तो पैसे की बोलो तो, यानी उनको बोल ही नहीं कपड़ नहीं आती, कार्तिक ऐसा कह रहा है उनको बोल अगर ऐसे जा रही है ना रुड़ती रुड़ती वो भी ना उसको कपड़ नहीं आती, इतने खतरनाक नूबड़े प्लेयर थे ना वहाँ पे, बट कार्तिक तो ना एक्स्ट्रा प्लेयर ने डाला, अगर कार्तिक होता ना कितने कितने ओवर के अंदर कितने, देखो 10 ओवर का मैच था लास्ट बता रहा हूँ, हाँ। ना पहले बैटिंग आई, ओपनर किसको भेजा ये बताना, ये कोई रन रेट होती है, ये कोई स्ट्राइक रेट होती है या 20 बॉल 18 रन प्लेयर का, 20 बॉल 18 रन गाइस, मैंने डिस्ट्रिक्ट में मारे थे 5 बॉल 24 रन, 24 क्या 16 रन तो, बट गाइस कार्तिक एक देखो मैं कह रहा हूँ मान लो थे कार्तिक ऐसा नहीं खेल जाता, फिर भी एक मन की तो होती है ना गाइस, अगर खेलता ना तो फिर एक समझ रहे हो ना आप भाई, उन बंदों को खेलना नहीं आता बिल्कुल, लिटरली कार्तिक बता रहा है गाइस, कुछ भी हो भले मैं उनसे बढ़िया नहीं खेलो फिर भी 20 बॉल 18 रन नहीं होते मेरे, 20 बॉल कम से कम तो 30 रन तो आराम से होंगे ना, 35-40 मतलब 30 तो मान लेते हैं एक बार नॉर्मली, कितना धोया ना 8 छक्के मारे थे कार्तिक को, ना बॉल करा नहीं दी ना बैटिंग करा नहीं दी इसको, सिर्फ ना फील्डिंग के अंदर लगाया था, फील्डिंग में भी नहीं था एक्स्ट्रा में था मैं, अच्छा फील्डिंग में भी नहीं था, और जो ना और मैं बता दूं मैंने समझा नहीं, और गाइस बिल्कुल एक्स्ट्रा होता है कुछ नहीं काम के, वैसे उसके अंदर डाल देता था लास्ट में मार रहे थे ना एक मेन, उसके भी मान सकते हैं, कैच उठाता थर्ड मैन पे शॉर्ट थर्ड मैन लगा हुआ था, एकदम हाथों में गया था कैच छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कह सकते बाकी ऐसे भी नहीं कह सकते गाइस, मैं बढ़िया नहीं खेलता इसलिए डिस्ट्रिक्ट में मैंने परफॉर्मेंस दी, 6 विकेट थे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, 60 से ऊपर रन थे, फिर तभी मैं सिलेक्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट में, तभी भी नहीं खिलाया उन्होंने, हम भी क्रिकेट के मैच देखने यहाँ पे एंड एंजॉय करते हैं अपन भी, एंड गाइस आज को लोग ने एंड करते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।